आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। बुधवार को इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक निर्माणाधीन छत के क्षतिग्रस्त होकर के गिरने पर मचा हड़कंप। दो लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका के बीच एक व्यक्ति को किया गया रेस्क्यू, दूसरे की हुई मौत। सीएम योगी ने पूरे मामले का लिया संज्ञान। डीएम ने भवन गिरने की जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति को किया गठित। दोषियों के उत्तरदायित्व को निर्धारित करते हुए आख्या तत्काल उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। प्राइवेट बसों से अवैध वसूली व धमकी देने के आरोप में दो शातिर अभियुक्तों रामचरण सिंह और सुधीर कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने दी जानकारी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के निर्देश पर विभिन्न कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों ने की छापेमारी। 70 अधिकारी कर्मचारी रहे नदारद। सभी अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों के एक दिन का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण देने का दिया निर्देश। कहा, आगे भी चलती रहेगी कार्यवाही। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव उर्फ गजोदर भैया का बुधवार को दिल्ली एम्स में हुआ निधन। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट के दौरान पड़ा था दिल का दौरा। पूरे देश में है शोक की लहर। सदर सांसद रवि किशन ने कहा, उनकी मौत से हूँ स्तब्ध। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए पुण्य आत्मा की शांति के लिए करता हूँ ईश्वर से प्रार्थना। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने एसपी सिटी और एडीएम सिटी के साथ बाल संरक्षण गृह का किया औचक निरीक्षण। बाल अपचारियों का लिया हालचाल। कहा, किसी प्रकार की नहीं पाई गई खामियां। 2019 बैच के 9 प्रोन्नत 520 में से 76 नायब तहसीलदारों के फाउंडेशन कोर्स और वेबसाइट प्रशिक्षण का 3 दिवसीय मासिक परीक्षा सकुशल हुआ सम्पन्न। तहसीलदार चौरीचौरा नीलम तिवारी ने दी जानकारी। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 5 दिवसीय स्वर्णिम भारत निर्माण के सेमिनार का हुआ शुभारंभ। कहा, स्वयं के प्रति सकारात्मक एवं बेहतर सोच बदल सकती है हमारे जीवन की दशा और दिशा। और गोरखपुर फुटबॉल लीग में एमपी फुटबॉल क्लब ने एसएस फुटबॉल क्लब को 3-1 से तथा सेंट्रल ड्यूज फुटबॉल क्लब ने लोको फुटबॉल क्लब को 3-1 से किया पराजित। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी।